अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हैलिडे रेज़निक वॉल्कर का 10th एडिशन है, चैप्टर 3 चल रहा है, वेक्टर्स का प्रॉब्लम नंबर 22 देखने वाले हैं। सवाल के मुताबिक व्हाट इज द सम ऑफ फॉलोइंग फोर वेक्टर्स इन यूनिट वेक्टर नोटेशन, हमसे सम पूछा जा रहा है यूनिट वेक्टर के नोटेशन में, फिर हमसे उस सम का मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है, एंगल डिग्री में पूछा जा रहा है, एंगल रेडियन में बताया जा रहा है पूछा जा रहा है। तो जो डाटा गिवन है ई एफ जी एच दिया गया है, ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड 6 मीटर है जबकि वो 0.9 रेडियन पे है, तो 0.9 रेडियन को कन्वर्ट कर लेते हैं डिग्री में तो 51.56 डिग्री आ जाएगा। फिर एफ वेक्टर दिया गया 5 मीटर का मैग्नीट्यूड है, -75 डिग्री पे है। फिर आपके पास जी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 4 मीटर और +1.20 रेडियन पे है, तो 1.2 रेडियन को कन्वर्ट कर लेते हैं डिग्री में तो ये 68.5 डिग्री आ जाएगा। एच वेक्टर हमें 6 मीटर दिया गया है, -210 डिग्री पे है। अब मैग्नीट्यूड भी पता है, थीटा भी पता है, तो हम उसके कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। तो किसी के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, ई एक्स हो जाएगा ई कॉस थीटा, ई वाई हो जाएगा ई साइन थीटा। अब हमें ई का मैग्नीट्यूड भी पता है, थीटा भी पता है, सॉल्व कर लेंगे तो ये ई एक्स आ गया आपके पास यानी 3.73, ई वाई आ गया 4.73। इसी तरीके से एफ के भी दो कंपोनेंट निकाले जा सकते हैं, 5 कॉस ऑफ -75 और 5 साइन -75, इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। फिर आपके पास इस सारे को सॉल्व किया जा सकता है कि भाई अब आपके पास g के भी दो कंपोनेंट होंगे जी एक्स जी वाई, तो 4 cos 68.575 और 4 sin 68.75, इस सारे को भी सॉल्व करके लिखा जा सकता है। h के भी दो कंपोनेंट लिखे जा सकते हैं। अब मैजेंडा कलर में सारे x कंपोनेंट हैं, ब्लू कलर में सारे y कंपोनेंट हैं। जब हम सम लेंगे तो x वाला सारे x कंपोनेंट्स जमा हो जाएंगे, सारे y कंपोनेंट्स आपस में जमा हो जाएंगे। x को जमा करोगे तो 1.28 और सारे y को जमा करोगे तो 6.60 आ जाएगा। अब हमें रिजल्टेंट सम पता लग चुका है, हम इनका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं कि भाई x का स्क्वायर जमा y का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, तो 6.72 मीटर आ जाएगा। थीटा निकालना चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो मुश्किल नहीं होगी, y डिवाइडेड बाई x तो 79 डिग्री आएगा। 79 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया जा सकता है, 1.37 रेडियन आ जाएगा। तो ये इस चीज का सोल्यूशन था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।